सिलेंडर ब्लास्ट का अभी प्राइमा फेसी हम लोगों को लग रहा है कि उसकी वजह से ये कांड हुआ है। तो अभी जब पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये हम लोग जो पूरा डाउज किए हैं, अभी फायर तो पूरा डाउज हो गया है, अब उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे कि आखिर क्या इंसिडेंट था। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, बट वी विल एनालाइज। लिया पूर्णता हम लोग ने जो रेस्क्यू किया है, जो इस कुछ होटल्स में ठहरे हुए थे लोगों का, तो कुल मिलाकर के रेस्क्यू करने की संख्या जो 30 से ज़्यादा लोगों का हम लोग ने रेस्क्यू किया है। गंभीर रूप से जो घायल व्यक्तियों उसमें से जो थे 20 के करीब रहे, 15 के आसपास रहे हैं, जिसमें 7 लोग जो गंभीर रूप से घायल रहे हैं और बाकी लोग सामान्य रूप से घायल हैं, लेकिन उनको सबको हम लोगों ने PMC भेज दिया है। कुछ लोग डेड बॉडी के रूप में यहाँ से जो लग रहा था प्राय मृत टाइप करके, तो हम लोगों ने उनको भेजा है। संभव है कि उनकी स्थिति बाद में खराब हो गई। उसमें से कुल मिलाकर के अभी तो जानकारी जो मिल पाई है हम लोगों को, 5 से 6 लोगों का मृत्यु होने की खबर है। NDRF की टीम भी देखी जा रही है। डिसाइड किए हैं अभी फाइन करना शुरू कर देंगे हम लोग, और इन लोगों को ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर देंगे। अभी हमने एक प्रपोजल भी हमने तैयार किया है सरकार को भेजने के लिए, जो फॉलो नहीं कर रहे हैं फायर ऑडिट्स का हमारे इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि हमारी भी बहुत मेहनत लगती है उसमें, मेरे सारे ऑफिसर्स उसमें लगते हैं, और एक फायर ऑडिट पूरा दिन लगता है एक एक जगह का फायर ऑडिट करने में। तो हम ये एक प्रपोजल दे रहे हैं सरकार को भी, और मुझे लगता है कि सरकार भी सहमत होंगे इसमें,